हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। तो पहले हम नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड पे निगेटिव नंबर एंड जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे ही नंबर की वैल्यू बढ़ रही है। देखो, 1 to 2 वैल्यू बढ़ गई, 2 to 3 वैल्यू बढ़ गई। पॉजिटिव का हमें जल्दी समझ में आ जाएगा, बट निगेटिव में देखो कैसा होता है। -4 से -3 बड़ा होता है, -3 से -2 बड़ा, -2 से -1 बड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू नंबर की बढ़ जाएंगी। या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, पॉजिटिव नंबर में जीरो से नंबर जितना दूर होता है उतनी वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। देखो, यहाँ पे 1 and 4 में ज्यादा दूर कौन है, 4, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है 1 से। बट निगेटिव में उसका उल्टा, जितना जीरो के नजदीक वाला नंबर उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा। ठीक है, मतलब -1 बड़ा है किससे, -2 से। क्यों? क्योंकि जीरो के ज्यादा नजदीक कौन है, -1। जो नंबर जीरो के ज्यादा नजदीक होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब जो नंबर जीरो के ज्यादा नजदीक होगा उस नंबर की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, जीरो से देखो यहाँ पे -1 है एंड यहाँ पे -3, तो जीरो के नजदीक कौन है, -1 या -3, -1। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 इज ग्रेटर देन किससे, -3 से। ठीक है, माइनस में उल्टा होता है। यहाँ पे देखो अगेन -5 लिया हमने एंड -3। अभी देखो जीरो के नजदीक कौन है, -3, तो ऑब्वियसली -3 की वैल्यू बड़ी है किससे, -5 से। यहाँ पे हम लिखेंगे -3 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, निगेटिव में जो नंबर जीरो के नजदीक होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, बट पॉजिटिव में जो नंबर जीरो से दूर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अभी हम देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हैं, उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है एंड छोटा कौन सा है, ये आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, -7, -2। मैंने क्या बताया था, जो नंबर जीरो के ज्यादा नजदीक होता है वो नंबर बड़ा होता है। अभी -2 एंड -7 में ज्यादा नजदीक कौन है जीरो के, -2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, -2 इज ग्रेटर देन -7। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना है तो सिंपल आप और एक मेथड से इसको कर सकते हैं। सिर्फ आप पहले 7 and 2 को कंपेयर कर लो, पहले साइन को इग्नोर कर लो। ठीक है, 7 and 2 में देखो 2 से 7 बड़ा है। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों नंबर क्वेश्चन में माइनस में दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस साइन करेंगे एंड बीच वाला जो साइन है उसे भी उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -2, यहाँ पे -7 किया, तो यहाँ पे बीच वाला जो साइन है उसको अपोजिट बना देंगे, मतलब इस साइड आएगा वो। ठीक है, ए वाले भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर ए वाला डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, सेकंड देखो, 0, -9/5। ठीक है, यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे दूसरा जो नंबर है वो माइनस में है, और हमने अभी पढ़ा है लेफ्ट टू राइट वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब -2, जैसे जैसे हम जीरो जाते हैं, जीरो टू पॉजिटिव नंबर जाते हैं, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे माइनस नंबर एक दिया गया है आपको और दूसरा है 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन एनी निगेटिव नंबर। 0 से कोई भी निगेटिव नंबर क्या है, छोटा है। ठीक है, कोई भी अगर निगेटिव नंबर ले लो और 0 ले लो, हमेशा निगेटिव नंबर छोटा होता है 0 से। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो -1 को एंड 0 को हम देखेंगे तो दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 0। -2 and 0 को कंपेयर करोगे तो दोनों में से बड़ा 0। सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे देखना है, 0 एंड दूसरा कौन सा है, माइनस वाला नंबर है, निगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी निगेटिव नंबर। पहले आंसर लिखेंगे और रीजन ये होगा हमारा। देखो, ये होगा आंसर एंड साइड में आपको रीजन लिखना पड़ेगा, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन
एनी निगेटिव नंबर। यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3, 8/7, 0। देखो एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा जीरो है, तो ये एक बात याद रखना, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है जीरो से, ठीक है। जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज लिख लो तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्ट ग्रेटर लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नंबर 4, -5/4, 1/4। एक नंबर निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। यहाँ पे इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है निगेटिव नंबर से, ठीक है। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, अ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। निगेटिव नंबर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, देयरफोर 1/4 इज ग्रेटर देन -5/4, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 40/29, 141/29। यहाँ पे देखो दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो पूरा रैशनल नंबर ही बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इज द सेम एंड लेट अस कंपेयर देयर न्यूमरेटर्स। तो यहाँ पे देखो वर्डिंग में मैंने लिख लिया, द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इज द सेम, डिनोमिनेटर सेम है इन दोनों का, 29, 29। तो यहाँ पे सिर्फ हम कंपेयर किसको करेंगे, न्यूमरेटर को, लेट अस कंपेयर देयर न्यूमरेटर। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 40 इज लेस देन 141, ठीक है। 141 बड़ा है किससे, 40 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफोर 40/29 इज स्मॉलर देन 141/29, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, -17/20, -13/20। यहाँ पे भी सेम ही, देखो फिफ्थ वाले जैसा ही सेम है, द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इज द सेम। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 20, 20। लेट अस कंपेयर देयर न्यूमरेटर, सिर्फ हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, ठीक है। -17 एंड -13, दोनों में से बड़ा कौन है, -13। मैंने बताया है जीरो के नजदीक जो माइनस नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो जीरो के नजदीक -13 आएगा या -17, ऑब्वियसली -13, बाद में -14, -15, -16 एंड -17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो -13 इज ग्रेटर देन -17 एंड यहाँ पे देयरफोर -13/20 इज ग्रेटर देन -17/20, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15/12, 7/16। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं क्या, नो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर को से इससे मल्टीप्लाई करो और ये वाले डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर इसी तरीके से सेम आ जाएगा। फर्स्ट टर्म देखो, 15/12 = 15 × 16/12 × 16। देखो इस वाले डिनोमिनेटर से हमने इन दो टर्म को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन आता है 240। नीचे वाली टर्म का देखो, 16 × 2 = 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी होगा, 16 × 1 = 16, 16 + 3 = 19, ठीक है। तो ऊपर आ गया 240 एंड नीचे डिनोमिनेटर में 192। अभी सेकेंड टर्म देखो क्या है, 7/16। अभी 16 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 12
अगर डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखो 12 7 जार यहाँ पे क्या आता है 84, यहाँ पे 12 6 जार 72, 2 यहाँ पे, देन 7 कैरी, 12 1 जार 12, 12 प्लस 7 192। ठीक है, अभी देखो 192 192, दोनों टर्म का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब हम सिर्फ यहाँ पे अभी न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो टर्म बड़ी। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी नाउ 240 इज ग्रेटर देन 84, देयरफोर अब 240 अपॉन 192। इसकी स्टार्टिंग वाले हम कौन सी है, 15 अपॉन 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 अपॉन 12 इज ग्रेटर देन इस वाले नंबर की स्टार्टिंग टर्म 7 अपॉन 16, 7 अपॉन 16, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, -25/8, -9/4। यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, एक का है 8, दूसरे का है 4। अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करना चाहते हैं तो आप देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे भी चलेगा। बट यहाँ पे एक इजी दिया गया है आपको, देखो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे हम 4 को 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। अगर हम 4 को एंड -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा एंड डिनोमिनेटर भी यहाँ पे सेकेंड टर्म का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आंसर में देखो क्या करेंगे, पहले -9/4 इक्वल टू -9 × 2/4 × 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए था 8, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी करते हैं, ऊपर आएगा -18 एंड यहाँ पे आएगा 4 × 2 = 8। अभी देखो यहाँ पे दो टर्म्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट वाली टर्म है -25/8 एंड सेकेंड वाली टर्म है -18/8। अभी देखो मैंने पहले ही बताया था जीरो के नजदीक माइनस में अगर हमें चेक करना है तो जीरो के नजदीक कौन होगा, माइनस में देखो जीरो के ज्यादा नजदीक कौन होगा, -18, उसके बाद -19, -20, -21, 22, ऐसे करके दूर जाएगा माइनस का नंबर। ठीक है, जीरो से, इसका मतलब जीरो के नजदीक जो नंबर होता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, देयरफोर -18 इज ग्रेटर देन -25। इसका ही मतलब देखो, इस वाली पहली टर्म क्या थी, -9/4 इज ग्रेटर देन -25/8। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9th, 12/15, 3/5। देखो ये भी 8 जैसा ही सेम एग्जांपल है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर डिनोमिनेटर 15 है तो सेम इसका भी डिनोमिनेटर हम 15 करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा यहाँ पे हो सकता है इसीलिए हम कर रहे हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, हम इस वाले डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस वाले डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, बट इजी जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 15 आ जाएगा। आंसर में देखो कैसे लिखेंगे हम, 3/5 = 3 × 3 / 5 × 3 = 3 × 3 = 9 and 5 × 3 = 15। ठीक है, अभी देखो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म है हमारी 12/15 एंड सेकेंड है 9/15, दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, 12 एंड 9 में कौन सा बड़ा नंबर है, इजीली आप बता पाओगे, है ना। देयरफोर 12 इज ग्रेटर देन 9, दैट इज 12/15 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है,
ए रहा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, -7/11, -3/4। यहाँ पे देखो ना ही हम 4 को 11 में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही 11 को 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो सवाल ही नहीं है, बट 4 को यहाँ पे 11 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इस वाला जो डिनोमिनेटर है इससे इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, और ये वाले डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आंसर में देखो फर्स्ट टर्म -7/11 = -7/11। देखो दोनों टर्म को हम ये वाला जो डिनोमिनेटर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 = 7 4 = 28, -28 आएगा यहाँ पे, एंड 11 4 = 44। अभी नेक्स्ट देखो -3/4 = -3 × यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 × 11 -33/44। देखो दोनों का यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब यहाँ पे हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोनों में देखो कौन सा बड़ा है, जो जीरो के नजदीक होता है वो हमेशा बड़ा होता है निगेटिव में, है ना, निगेटिव नंबर में ऐसा होता है। तो यहाँ पे जीरो के नजदीक कौन होगा, -28, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -28 > -33। ठीक है, यहाँ पे अपॉन भी लिख लेते हैं, 44, यहाँ पे भी 44, दैट इज इसका ही मतलब। देखो इस वाले की टर्म क्या थी, -7/11 > -3/4, ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।